ये है दिल्ली दर्पण। जहां एक तरफ योगी की सरकार अपनी पुलिस को शाबाशी देती नजर आती है, वहीं गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े घर में घुसकर महिलाओं को बंधक बना लेते हैं और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है। वाकया गाजियाबाद का है, जहां बदमाश घर में घुसकर i20 गाड़ी की चाबी छीनकर गाड़ी भी साथ ले गए। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के पौश इलाके प्रताप विहार में दिन दहाड़े लूट की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घर में एक कारोबारी की पत्नी को बंधक बनाकर तीन बदमाशों ने लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि महिला घर पर अकेली थी, तभी तीन बदमाश आए जिन्होंने महिला को बंधक बना लिया और सभी गहने लूटकर फरार हो गए, जिसके साथ घर में रखा हुआ कैश भी लूट लिया गया और गाड़ी की चाबी छीनकर बदमाश उनके घर से निकले और बाहर खड़ी हुई i20 गाड़ी को भी लेकर फरार हो गए। लेकिन पुलिस के पास अभी तक बदमाशों को पकड़ने का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। SPCT श्लोक कुमार का दावा है कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आसपास की CCTV खंगाले जा रहे हैं। चार मंजिला मकान है, चौथी मंजिल पे एक महिला रह रही थी। उनका ये कहना है कि यहाँ बदमाश आए थे, जो कि उनके घर से उनकी गाड़ी की चाबी ले गए और जो गाड़ी नीचे पार्क थी वो ले गए और कुछ जेवर जो वो पहनी हुई थी वो ले गए। इस संबंध में पूरी टीम यहाँ पे है और सारी टीम को लगा दिया गया है, थाने पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जाए। सर, उन्होंने मेरे हाथ पैर बांधे, मुंह दबाया, मुंह बांधा सर, और सर मैंने एक अंगूठी पहन रखी थी, अंगूठी लेके गए सर, कान में पहन रखा था, कान का लेके चले गए सर। और उन्होंने मुझसे पूछा कि कार की चाबी कहाँ है, उन्हें ये भी पता था कि कार है, कार की चाबी कहाँ है। मैंने बोला सर कार की चाबी ड्राइवर के पास रहती है, झूठ बोला सर मैंने कि ड्राइवर के पास रहती है। तो उसने बोला कि नहीं, कार की चाबी घर पे ही है। तो मैंने बोला कि फिर उन्होंने लड़की की धमकी दी कि तेरी लड़की उठवा। दिल्ली दर्पण TV के लिए गाजियाबाद से अरुण सिंह की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण TV पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर